भाई ये क्या चीज है, पता ही जहर कर दिया इसको। और इसमें इंडिकेटर भी है तो मजा आ जाएगा। इधर भी इंडिकेटर, ऐसे नहीं हमें ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो वैसी करके ये कुछ ये वाली लुक लुक निकली है भाई इसकी। और कहना क्या था, जो उसके अंदर भैया जो काम दिल्ली में जो उसके अंदर थे बाइक का काम करते हैं, इससे बड़े काम कोई नहीं कर सकता। जिसने भी आना है एसके बाइक बर्ड पर आओ, उसके अंदर भैया से काम करो। विजिबल रेट है, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी है। बाकी लाता रहता हूँ, पूरे इंडिया से हमारे पास कस्टमर आते हैं और कभी कभी तो इंडिया से बाहर से भी आते हैं। तो इस वाली एमटी में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये सारा सामान निकाल रखा है जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, पूरा है इसमें। बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को करानी चाहिए। तो क्रैश गार्ड के काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, हमने ग्रे में आपको दिखाने के लिए लगाया गया, ये सिल्वर में आ गया, अपने पास ब्लैक में मिल। सिमटेक का मोबाइल होल्डर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ और वायर से भी चार्ज करेगा, ये कुछ इस तरीके से है। ये कार्ड भर के दिया जाएगा आपको। यहाँ पर टॉप रैक, अब ये टॉप रैक क्या चीज़ है, ये लगेगा आपकी सीट के पीछे होते हैं। जिन लोगों को एग्जॉस्ट नहीं बदलवाना है तो उसके ऊपर ये प्लेट लगेगी गोल्डन कलर की। ये बैंड पाइप है इंपोर्टेड में। इसमें अगली चीज है शार्क मेट गार्ड, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। डिटेल टाइडी, डिटेल टाइडी में भी काफी सारे डिजाइन, काफी सारे कलर, काफी सारे मोड्स, काफी सारे डिजाइन आप तो इस तरीके की आप हैंड ग्रिप ले सकते हो। इंडिकेटर की सेफ्टी के लिए गोल्डन कलर की हैजार्ड, हैजार्ड बोले तो जो चारों इंडिकेटर एक साथ चलाता है, वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की वायरिंग है तो आपकी बाइक की वायरिंग नहीं कटती। ये आ गया आपके फोर्क प्रोटेक्शन, जूते काले पीले जाते हैं ना, ये लगाओगे तो नहीं होंगे। डिस्टेंट जैकेट भी बोलते हैं सीएनसी में। ये आ गई रियर वाली, इसमें एमटी की मिल जाएगी और आर फाइव की मिल जाएगी। एचजीजी की फॉग लाइट्स ओरिजिनल नाइट विजन के साथ, डार्क जो राइडर है उसकी लाइट भी नहीं छुपेगी। और जो बाल काटते रहते हैं ना, इसमें देख के बाल निकालेंगे क्योंकि इसमें सब काले नजर आएंगे मेरी तरह। पहले तो ये प्रोडक्ट देख लो क्या है। जिन लोगों की उंगली छोटी है टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से स्विच करो। देखो कोई उंगली ज़्यादा लंबी है तो उन लोगों के लिए यहाँ से इसको। ये आ गए आपके थाई पैड्स एमटी। एग्जैक्ट किस जगह से आए थे आप? हम पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल जैतो मंडी से। यहाँ का फोन आया था मेरे पास और उस समय मैं सो रहा था। स्वेल लगा रहे हैं, एससी प्रोजेक्ट। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड डिजाइनिंग हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त। मैं ले आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइबल। तो जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सारी में टॉपिक रहेगा वो रहेगा यामाहा एमटी 15, आप लोगों की ड्रीम बाइक, जिसका आप लोग मुझे काफ़ी सारे कमेंट करते हो और उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एमटी 15 पर लाता रहता हूँ। पूरे इंडिया से हमारे पास कस्टमर आते हैं और कभी कभी तो इंडिया से बाहर से भी आते हैं जो स्पेशली सामान लेने आते हैं अपनी बाइक्स का। बाकी जो आ जाते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अपनी शॉप पर मिल जाती हैं। बाकी आप कोरियर भी करा सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, एक बार कॉल पर बात कर लेना। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एमटी 15 पर, जो कि पंजाब से आई हुई है, अराउंड 400-500 किलोमीटर दूर से बाइक आई हुई है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो है अपनी वीडियो और देखेंगी जो यूपी से, ऑल ओवर जो है इंडिया से अपने पास बाइक की है। तो इस वाली एमटी में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये हमारी शॉप मिलेगी दिल्ली के करोल बाग, नए वाले मार्केट, एसकेडी बाइक वर्ल्ड कुछ इस नाम से है हमारी। बाकी डुप्लीकेट शॉप भी काफ़ी सारी हैं, उन पर नहीं जाना है आपने, और एक बार कॉल करके आना और बोर्ड देख लेना। और पहली बार तो मैं मिलता ही हूँ तो एक बार आप मुझसे भी आकर बात कर सकते हो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये सारा सामान निकाल रखा है जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कुछ इस तरीके से। तो पावर पार्ट्स ज़्यादा हैं इसमें, बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को करानी चाहिए इनफैक्ट लुक के लिए और सेफ्टी के लिए। तो एक करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं, फिर लगाने के बाद भी आपको दिखाएंगे, फिर कस्टमर से मिलवाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस यहाँ पर सेफ्टी गार्ड पर, क्रैश गार्ड। तो क्रैश गार्ड के काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं। ये वाला क्रैश गार्ड डबल वाला है, बहुत ही हैवी है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, इसे खोल के दिखाना एक बार। और इसके अलावा इसमें एक छोटा वाला क्रैश गार्ड भी आता है, और इस क्रैश गार्ड में काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, सिल्वर मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लैक है, ब्लैक ज़्यादा लगाते हैं, ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये इस पर सेफ्टी के लिए जो है पन्नी लगी हुई है, बाकी अंदर से ये ब्लैक ही रहता है। और फिलहाल ये वाला जो है पार्ट ये हमने ग्रे में आपको दिखाने के लिए लगाया, कि अगर आप लोगों को ग्रे लगवाना है लाइक सिल्वर लगवाना है तो सिल्वर कलर का कुछ इस तरीके का आएगा। देखो दिखाना ज़रा क्लोजली, ये सिल्वर में आ गया है, अपने पास ब्लैक में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्रैश गार्ड है। और क्रैश गार्ड के बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसा कि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सिमटेक का मोबाइल होल्डर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ और वायर से भी चार्ज करेगा, ये कुछ इस तरीके से। 1.5 साल की गारंटी, कभी भी ख़राब होता सीधे नया ले जाना। इसमें इस तरीके का कार्ड मिलता है, ये कार्ड भर के दिया जाएगा आपको। और अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर टॉप रैक। अब ये टॉप रैक क्या चीज़ है, ये लगेगा आपकी सीट के पीछे, क्योंकि आप लोगों को पता है एमटी 15 की सीट छोटी है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी कह सकते हो, या थोड़ा सामान कैरी करने के लिए भी ये काम आता है। और इसका नाम है टॉप रैक, से टॉप रैक बोलते हैं। जिन लोगों को एग्जॉस्ट नहीं बदलवाना है तो उसके ऊपर ये प्लेट लगेगी गोल्डन कलर की, और अगर आप एग्जॉस्ट बदलवाना चाहते हो तो टेंशन ही नहीं है। तो उसके लिए फिर आ जाता है बैंड पाइप। ये बैंड पाइप है इंपोर्टेड में, इसमें इंडियन में भी आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और आपके इंजन की ऐसी तैसी कर देते हैं फुल्ली।
कोई दिक्कत इसमें तगड़ी आ जाती है। इसको लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि इसमें आपको सेंसर मिल जाते हैं। जिन लोगों का डबल सेंसर है डबल वाला, सिंगल है सिंगल, कैटलिक कन्वर्टर, इजी टू फिट और प्लग एंड प्ले, और किसी तरीके का गारंटी का भी इसमें टेंशन नहीं होता, आपकी बाइक की जो है गारंटी वारंटी कोलैप्स नहीं होती। अगली चीज़ है शार्क पिन मड गार्ड, ये कुछ इस तरीके से लगेगा बाइक के पीछे, जो मिट्टी वगैरह अंदर जाती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हो गया है शार्क पिन, इसे रियर फेंडर मड गार्ड ही बोलते हैं। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, हरे नीले पीले गुलाबी कत्थे, जो आपको अच्छी चीज़ लगा लेना। अगली चीज़ आ गई टेल टाइडी, टेल टाइडी में भी काफ़ी सारे डिज़ाइन, काफ़ी सारे कलर, काफ़ी सारे मोड्स, काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, बट ये जो है ब्लैक लिया है सीएनसी में क्योंकि उसको एक बार जहाँ टाइट कर दिया सो कर दिया। इधर आपके इंडिकेटर आ गए, इधर नंबर प्लेट आ गई और यहाँ पर लगेगी आपकी लाइट जो कि नंबर प्लेट को शो करेगी। हैंड ग्रिप एक ये वाला डिज़ाइन आ गया, बाकी काफ़ी सारे डिज़ाइन और मिलेंगे, पीछे दिखाना एक बार हैंड ग्रिप, तो इस तरीके की भी आप हैंड ग्रिप ले सकते हो। अब आते हैं रेडिएटर पे, तो रेडिएटर ग्रिल आ गई है रेडिएटर की सेफ्टी के लिए गोल्डन कलर की, बाकी काफ़ी सारी ग्रिल्स और मिल जाएंगी डिज़ाइन वाली, ये इसे लगाते हैं इसमें किसी भी तरीके का जंग नहीं लगता। नेक्स्ट आ गया है आपका सिमटेक का हैजार्ड, हैजार्ड बोले तो जो चारों इंडिकेटर एक साथ चलाता है वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग डिज़ाइन के साथ, ये कुछ इस तरीके का दिखता है प्लग एंड प्ले, और इसकी खुद की वायरिंग है तो आपकी बाइक की वायरिंग नहीं कटती, अब जैसे काम ना करना होता वो काट दे तो फिर कुछ भी काट सकता है, वो बात अलग है। ये आ गया आपके फोर प्रोटेक्शन, ये लगेंगे उन बाइक पे जिन पे सस्पेंशन को लगता है कि हमें सेफ करना है तो उन सब बाइक्स पे लग जाएंगे, हम तो स्कूटी पे भी लगा देते हैं। इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे और ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये आ गया आपका गियर शॉक्स, जूते काले पीले हो जाते हैं ना, ये लगाओगे तो नहीं होंगे। ये आ गया आपके साइड स्टैंड एक्सटेंडर, जैसे साइड स्टैंड कवर, साइड स्टैंड जैकेट ही बोलते हैं सीएनसी में, और ये है M15 की, सेम आपको हर बाइक की मिल जाएगी, चाहे कोई बाइक हो R15 हो या फिर कोई बाइक हो, ठीक है जी। मास्टर सिलेंडर कैप ये वाला पार्ट आ गया जो कि ऑयल की कैप है फ्रंट वाली, ये आ गई रेयर वाली, इसमें MT की मिल जाएगी और R15 की मिल जाएगी। ये आ गए जाली कवर कुछ इस तरीके के, HGG की फॉग लाइट्स ओरिजिनल जो कि कुछ इस तरीके की है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसके पीछे फ़ैन भी मिलता है जबकि ये हीटिंग का इशू होता है जो ऑटोमेटिकली इसको टेम्परेचर पर नॉर्मल हो जाती है। ये आ गई इसकी क्लैंप फॉग लैंप्स की, क्योंकि क्लैंप बहुत ज़रूरी है, बिना क्लैंप के अगर आप लगाओगे तो फिर एलंकी लेके बैठना पड़ेगा और टाइट करते रहोगे, तो ये क्लैंप लगाओ, जहाँ टाइट कर दिया सो कर दिया, ये इस तरीके की क्लैंप्स होती हैं, लगने के बाद मैं आपको दिखाई दूंगा। बार एंड मिरर नाइट विजन के साथ, डायरेक्ट सनलाइट आंखों पे नहीं लगती, नाइट विजन का मतलब ये होता है, ये देख लो आप। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि पीछे जो राइडर है उसकी लाइट भी नहीं छुपेगी, और जो बाल काटते रहते हैं ना इसमें देख के बाल निकालेंगे क्योंकि इसमें सब काले नजर आएंगे मेरी तरह। इसके अलावा ये आ गए लीवर एडजस्टेबल, और ये काफ़ी सारी जगह से एडजस्ट हो जाते हैं। पहले तो ये प्रोडक्ट देख लो क्या है, जिन लोगों की उंगली छोटी है टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से स्विच करो देखो, ठीक है। अब जिन लोगों को लग रहा है कि यार हमारी बाइक गिरी टूट जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं, फोल्ड हो जाएंगे, और जिन लोगों की उंगली ज़्यादा लंबी है तो उन लोगों के लिए यहाँ से इसको हल्का सा लूज़ करोगे ना तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ये देखो। तो ये है इस तरीके का कलर, इसमें भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये रबड़ इंडिकेटर बोल देते हैं, वाटर प्रूफ, ख़राबी नहीं होंगे कभी। ये आ गए आपके थाई पैड्स MT15 की ब्रांडिंग के साथ, ये तो हो गया वो सामान जो अभी इसमें लगाना है, इससे ज़्यादा सामान इसमें और लगने वाला है। और भैया हमारे पास आए हुए थे पंजाब से, एग्जैक्ट किस जगह से आए थे आप? हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट व्री को जैतो मंडी से आए हैं जी। अच्छा, जहाँ से 450 किलोमीटर है। भैया का फ़ोन आया था मेरे पास और उस समय मैं सो रहा था, फिर मैं उठा और बस दुकान पर आ गया, तो भैया से बात करेंगे, अभी कोई काम हुआ नहीं है, अभी से रिव्यू लेने का कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर इनकी सियान ब्लू कलर के साथ है, नंबर आप चेक कर सकते हो, PPF इसमें हो रही है वो वाली, जिसको आप हटाओगे तो आपका पेंट नहीं हटेगा। 600, 700, 1200 में लोग PPF कर देते हैं और फिर बाद में हटाते हैं तो पेंट साथ में आ जाता है, फिर 10,000 रुपये का पेंट का खर्चा कर देते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और करेंगे, फिलहाल अभी ये स्टॉक ही है, और फाइनल करके सामान जो आपको दिखाया लगाने के बाद फिर दिखाएंगे फाइनल पे कैसी बनती है आपकी ब्यूटी, क्योंकि इसका पीछे का भी देखो सब कुछ हटा रखा है, तो कुछ नया ही करेंगे, और ऑब्वियसली हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया ही लाएंगे, बाकी अब करेंगे फाइनल होने के बाद बाद। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि MT15 पर अभी क्या क्या चीज़ें ऐड हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ लगती भी है। लो जी, ये अभी तक कुछ यहाँ तक पहुँची है इसकी कहानी, जैसे कि इसमें जाली कवर लग चुके हैं, इसका इग्निशन ऑन करके इसकी आइस भी दिखा देते हैं आपको। आइस का डिज़ाइन इस बार चेंज कर दिया है, रिंग लग चुका है इसमें, और इसके अलावा जो क्रैश गार्ड था ये शॉर्ट वाला लगाया हमने, बड़ा वाला भी आपको दिखाया था, छोटा वाला भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा फॉग लैंप, इस जगह पर लग चुकी है, यहाँ पर भी काफ़ी बार लगवाया बट अब इस बार यहाँ पर लगा दी क्लैंप के साथ। इसके अलावा बैक साइड में देखोगे तो बॉडी इंडिकेटर लग चुके हैं, टेल टाइडी लग गई है, इंडिकेटर लग गए हैं, टॉप रैक लग चुका है, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर शार्क पिन मडगार्ड लग गया है, गियर सॉक्स लग चुकी है, और यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो PPF का भी काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि पता भी नहीं चल रहा है, ये देखो गाइस। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं, अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो करके और फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं यहाँ पर आपकी MT15 का। आप करते हैं एग्जॉस्ट के साउंड ट्राई, स्वेल लगा रहे हैं SC प्रोजेक्ट, और फिर करते हैं रेसिंग।
तो यहाँ पर काफी सारे एग्जॉस्ट निकाल रखे हैं, सबका साउंड ट्राई कराते हैं। एससी प्लेट पैड लगा दिया, चलो करो जी। आवाज कैसी, तेज़ चाहिए कम चाहिए? लगा के करके लगा, जो मर्जी लगा, लगा R9, ये R9। चल स्टार्ट करो। ये हो गया R9, 6 कट हो गया और SC प्रोजेक्ट हो गया। अब निकालते हैं ये वाला ऑस्टन रेसिंग। इसका रेट कितने कितने का है? चलो भाई, ये क्या चीज़ है, पता ही जहर कर दिया इसको। और इसमें इंडिकेटर भी है तो मजा आ जाएगा, इधर भी इंडिकेटर, इधर भी, इधर इसकी आईज हो गई। इसकी आई डिजाइनिंग वगैरह, रिंग वगैरह, तो ये देख लो इसकी आईज की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से। इस बार डिजाइन हमने चेंज कर दिया, बाकी इसमें काफी सारे डिजाइन आप और भी करवा सकते हो। ये रेड कलर का ही लिया है, ये भी आप जो है व्हाइट में या फिर किसी और कलर में करवा सकते हो, लेकिन रेड का थीम अच्छा लग रहा था। यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड। ये प्रोजेक्टर पे इसके जो रिंग लगाया ना हमने रेड कलर का लगाया, तो काफी अच्छा लग रहा है। और विंगलेट भी जो है ये रेड है, जो कि शुरू में नहीं दिखाई थी आपको। तो ये रिंग हो गया और आपकी विंगलेट हो गई, ये इसकी आईज की डिजाइनिंग हो गई, यहाँ पर ग्राफिक का डिजाइनिंग हो गई। इसके अलावा यहाँ देखोगे तो यहाँ पर लगा रखे राउंड वाले फोर्ड स्लाइडर कुछ इस तरीके से, और इसके सस्पेंशन गोल्डन थे इसलिए यहाँ पर गोल्डन कलर के जो है फोर्ड स्लाइडर आ गए। अंदर रेडिएटर ग्रिल लग चुकी है, लगने के बाद कुछ ये वाला लुक आता है इसका। व्हील कवर आप चेक कर सकते हो, यहाँ लगाया हाफ हमने, ये हाफ वाले व्हील कवर आ गए कुछ यहाँ पर, और ये आ गए फुल वाले बैक साइड में। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना दिया था, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो ये फुल वाले आ गए, आगे हाफ वाले हो चुके हैं। और क्रैश गार्ड मैंने आपको दो दिखाए थे, एक लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला। शॉर्ट वाले का लुक देख लो कुछ इस तरीके से आता है, लॉन्ग वाला आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो ये उसका लुक है, और जो फॉग लैंप्स लगाई थी उस पर क्लैंप वगैरह था ना आपको दिखाऊंगा, तो ये वाली क्लैंप है। लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक है, इसमें लूज नहीं होती, आप कितनी भी दूर राइड कर रहे हो ये लूजिंग का ऑप्शन इसमें किसी है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। और ये इसका स्विच, ये हमने इसको ऑन किया, इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से हल्का सा लूज करके। और इसमें वाइट का मिल जाएगा, येल्लो का मिल जाएगा। येल्लो जो है ये तब काम आता है जब से बरसाते हैं या कोहरा ज़्यादा हो रहा है, तब इसको ऑन करोगे तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। बाकी वाइट आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, ये पूरी सेफ्टी करता है। जैसे कि इंजन वगैरह हो गया, टैंक वगैरह हो गया, यहाँ पर आपको सिलेंडर मिल जाता है इस साइड से, सेम साइड यहाँ से भी एडजस्ट, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बताया था आपको ये जाली कवर आ गया इसके गोल्डन कलर के, इतना है कुशनिंग के साथ में, और ये जो कलर है पूरा मैच हो रहा है, देख सकते हो आप। नैडो ग्रे आ गया है पूरा,
ये पूरा ब्लैक आ गया, व्हाइट की स्टिचिंग आ गई और ये प्रॉपर थ्रेडिंग के साथ में हो गया। ले लेते हैं कि काम कैसा लगा भैया, कैसा लगा काम? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ठीक है सर, कैसा लगा? तो कहने मतलब ये काम तो बैटरी लगा है फिलहाल, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। कहना क्या था, जो उसके अंदर भैया जो काम दिल्ली में जो उसके अंदर बाइक का काम करते हैं, इससे बड़े काम कोई नहीं कर सकता। जिसने भी आना है एसके बाइक वर्ड पर आओ, उसके अंदर भैया से काम करो, विजिबल रेट है, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। बाकी हमारे पंजाब से हैं, बठिंडा शहर से ही, जैतों मंडी डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट हमारा शहर है, 450 किलोमीटर से है। पंजाब में पहला बाइक मेरा ही है, उसके अंदर भैया का हमने यूट्यूब पर चैनल देखा एसके बाइक वर्ड, वहाँ से देखा कि ये काम करते हैं, इनके पास जैतों से हम जहाँ पर आए हैं तो काम करवाने के लिए, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा। और ये अपने एरिया की भैया के एरिया की पहली है बाइक इस कलर में और ऊपर से मॉडिफाइड, तो ये भाई एक अलग लेवल हो जाता है। बाकी इसमें लुक देख लो आप, कुछ इस तरीके से आ रहा है भाई, पूरे के पूरा किलिंग है। हर बार कुछ ना कुछ नया आप लोगों को लाते रहता हूँ यार मैं, देखो हर बार जो है कुछ ना कुछ नया। और ये जो बाइक है इसको तैयार कराने में सबका हाथ है, भैया ने एक एक चीज़ को खुद डिज़ाइन करा भाई, ये ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं, हमें ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, तो वैसी करके ये कुछ ये वाली लुक निकली है भाई इसकी। और वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही, तो वो काफ़ी अच्छा इसका यार लुक निकल कर आ रहा है। एक ही करके स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में सबसे पहले यहाँ पर वाइजर लगाया था, जो ज़्यादा काफ़ी सारे वाइजर ट्राई करे लेकिन लास्ट में फिर ये लगा कि चलो सिंपल से लगाते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर इससे भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना, सिंपल का लुक जो पहले आप लोग भाई उससे भी अच्छा। हाँ हाँ हाँ, और इसकी आइज में डिजाइनिंग देख लो भाई, ये आइज की डिजाइनिंग आ गई, यहाँ पर विंगलेट आ गई, इसके अलावा यहाँ पर रिंग आ चुका है। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है, फोर्थ स्लाइडर यहाँ पर लगाया हमने गोल्डन कलर के, ताकि किसी भी तरीके का इशू ना आए। सस्पेंशन इसके थोड़े से महंगे, आप लोगों को पता ही है हर बाइक के लगभग लगभग सस्पेंशन महंगे होते हैं, उसकी सेफ्टी भी जरूरी है। व्हील कवर हाफ और पीछे लगाया फुल, ये वाले आ गए फुल, देखो इस साइड। अब ये क्या है, पूरा एक सेटअप बन जाता है, दोनों तरफ फुल लगा दोगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरीके का एयर वगैरह में या चलने में, तो इसी तरीके से हाफ और फुल लगा दिए हैं। साथ ही में हैजार्ड लगा दिया है, चारों इंडिकेटर एक साथ जल रहे हैं आपके, और इंडिकेटर वाले स्विच को आप दाएं बाएं बीच में दबाते हो तो कुछ इस तरीके से, एक तो ये हैजार्ड हो गया, ये जो आप देख रहे हो छोटा सा बटन, ये इसकी आइस का हैजार्ड है। ये जो आइस देख रहे हो ना, ये इंडिकेटर हैजार्ड अलग है, इसकी आइस का स्पेशल हैजार्ड अलग है, इसे भी काफ़ी सारे पैटर्न मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप। अंदर रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है जो मैंने आपको दिखाई थी, लगने के बाद ये लुक आता है। क्रैश गार्ड के मैंने काफ़ी सारे डिजाइन आपको दिखाए, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, और अभी भी इस वीडियो में दो दिखाया मैंने, तो एक ही वाला डिज़ाइन है जो ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए था भैया को, नॉर्मल सा चाहिए था, तो यहाँ पर आ चुका है क्लैंप, यहाँ पर फॉग लैंप लग चुकी है क्लैंप के साथ, ब्रेक ये चीज़ हो गई गाइस। और इसके अलावा यहाँ पर मास्टर सिलेंडर कैप आ चुकी है, एक मास्टर सिलेंडर कैप यहाँ पर आ चुकी है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल बार की क्या लुक आती है अगर आप इस तरीके का मोड्स कराते हो, तो ये चेक करो गाइस, यहाँ पर आ गए आपके मिरर सीएनसी में नाइट विजन के साथ। इसके अलावा ये वाला पार्ट चेक कर सकते हो, गोल्डन का टच, यहाँ पर गोल्डन, यहाँ पर गोल्डन, यहाँ पर गोल्डन, यहाँ पर गोल्डन, पूरा सोना ही सोना लगा दिया भाई। फोल्डिंग वाला लीवर, गलती से ही बाइक गिरी तो ये टूटेंगे नहीं बल्कि इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब फुल बाइक की गई है पीपीएफ लेमिनेशन, ये देख सकते हो आप, इसमें आपका जो है ये वाला पार्ट पीपीएफ में कवर किया जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, साथ ही में ये, फिर ये वाले पार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर सीट की गई है, जो देख सकते हो आप, क्रूजिंग प्लस टूरिंग सीट बनाई गई है इसको कुछ इस तरीके से। ये जो सीट बनाई गई है इसमें कवर आप चेक कर सकते हो, पूरा मैच किया गया था, कहीं से ओवर ना लगे, ब्लैक एंड नेडो ग्रे का टच दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो टॉप रैक की प्लेट आ गई, इंडिकेटर आ गए फ्लैट इंडिकेटर, जो कि इंडिकेटर पर ही वर्क कर रहे हैं, प्लस ब्रेक पर देख सकते हो गाइस। और यहाँ पर टॉप रैक आ गया, उनका सीट आपको पता है छोटी है, सामान वान कैरी करने में कोई दिक्कत ना है किसी तरीके से। फुल एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर लग चुका है, एससी का साउंड सुनाया था मैं आपको। और यहाँ पर आ गया आपका शार्क पिन मडगार्ड, और भाई साहब भी जब आए हुए थे हमारे साथ, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। आइए